नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बता दें कि वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने वायरल किया है। इस वीडियो में इंदर सिंह परमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो करना हो कर लो, जाओ जाकर मर जाओ, इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पर इंदर सिंह परमार करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला अभिभावक संघ से जुड़ा हुआ है। जब अभिभावक संघ मंत्री जी के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, तो इस दौरान मंत्री जी के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। आपको शब्द हम बता देते हैं, यहाँ पर इंदर सिंह परमार ये शब्द कहते नजर आ रहे हैं कि जो करना हो कर लो, जाओ जाकर मर जाओ। ये वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वे अभिभावक संघ को के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये पूरा वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, और अब हम आपको ये बताएंगे कि उन्होंने किस भाषा का इस वीडियो में प्रयोग किया। सर आप कहें ना सर, हम सर हमारी विशेष मांग ये है सर, एक अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। जी एक बंद कर दीजिए सर, बिल्कुल हमें कुछ नहीं थी, हमें वीडियो नहीं चाहिए सर, समाधान चाहिए। तुम बताओ वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ये तो मत बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार, सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर, ये तो मत बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार, सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ भैया धक्का कलेक्ट नहीं होगी, हम लोग सरकार नहीं देंगे किसी को, आपका नहीं देंगे, जनता के चुने हुए सरकार है आपकी, हम लोगों से ही बने, लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में बात संवाद करना जरूरी है सर। चुनी हुई सरकार हमसे ये बोल रही है मर जाओ सर, हम नेता नहीं है सर, अभी हमारा बिल्कुल आवा बात ना फोन। हम सर हमारी विशेष मांग ये है सर, एक अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। जी एक बंद कर दीजिए सर, बिल्कुल हमें कुछ नहीं थी, हमें वीडियो नहीं चाहिए सर, समाधान चाहिए। तुम बताओ वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ये तो मत बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार, सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर, मर जाए साहब। जी एक बंद कर दीजिए सर, बिल्कुल हमें कुछ नहीं थी, हमें वीडियो नहीं चाहिए सर, समाधान चाहिए। तुम बताओ वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ये तो मत बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार, सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ भैया धक्का कलेक्ट नहीं होगी, हम लोग सरकार नहीं देंगे किसी को। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी नमस्कार। देखिए इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ है, इंदर सिंह परमार जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे अभिभावक संघ को से के साथ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस वायरल वीडियो पर? आवाज आपकी आवाज कट रही है, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी कट कर रही, बताएं वापस से पूछिए। जी देखिए इस तरह का जो आपने एक वीडियो वायरल किया हुआ, आपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का, जिसमें वे अभिभावक संघ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस वायरल ऑडियो पर? निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है, आज पूरे प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ी है जी, कारोबार बंद पड़े हैं, व्यापार व्यवसाय चौपट पड़े हैं, निजी स्कूल की मनमर्जी जारी है जी, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी मनमर्जी की फीस वसूल रहे हैं जी, पालक संघ इसको लेके न्यायालय से लेके तमाम दरवाजों पे दस्तक दे चुका है जी, लगातार इस तरह की मांग उठा रहा है, राहत की बात कर रहा है जी, जब राहत को लेके जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी,
जब स्कूली शिक्षा मंत्री के पास जाती हैं तो बड़ा अभद्र व्यवहार करते हैं उनसे और कहते हैं कि कुछ सुनना नहीं, जाओ कहीं भी जाके मर जाओ, और उनके जो सुरक्षा गार्ड है वो अभद्र व्यवहार करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए ये जो वीडियो सामने आया कलंक के समान है और ये बेहद शर्मनाक वीडियो, इसको लेकर तत्काल शिक्षा मंत्री पर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें पद से हटाना चाहिए। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब कांग्रेस क्या कार्रवाई की मांग करती है, क्या कार्रवाई राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार पर होनी चाहिए? निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक है, जनता ने उन्हें चुना है, जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, मंत्री हैं, जनता की बात सुनना उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। देखिए इस प्रकार से जनता के साथ अभद्र व्यवहार करना, उन्हें इस तरह कहना कि जाके मर जाओ, अभद्र व्यवहार करना, सुरक्षा गार्ड से धक्के दिलवाना, कहना कुछ भी नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, ये आपत्तिजनक है। ऐसा कभी प्रदेश के इतिहास में हुआ नहीं है और ऐसे मंत्रियों को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना जाता है ताकि वे जनता की आवाज को उठा सके, लेकिन इस वीडियो में जनप्रतिनिधि ही जनता की आवाज को दबाते नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि का इस तरह का कभी भी व्यवहार देखने में नहीं आया। जी यदि जनप्रतिनिधि से कोई मिलने आ रहा है उसमें महिलाएं भी, तो यदि जनप्रतिनिधि ये कहे कि जाओ जाके मर जाओ कुछ होने वाला नहीं है, जी तो ऐसा तो हमने कभी किसी राजनीति में किसी भी सरकार में इस तरह का व्यवहार किसी भी मंत्री का, यह सही है कि भाजपा के मंत्री जो हैं भाजपा सरकार के घमंडी हैं, अहंकारी हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, लेकिन इस तरह अभद्र व्यवहार सार्वजनिक रूप से जनता से करेंगे तो बर्दाश्त कर रहे नहीं, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, कार्रवाई नहीं होगी मंत्री पे तो हम इसके विरोध में आंदोलन करें। जी तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर जनप्रतिनिधि के खिलाफ तो कांग्रेस क्या अगला कदम उठाने वाली है या फिर क्या कुछ मांगे रखी गई है? हम आगे निर्णय लेंगे, रणनीति बनाएंगे, हमने अभी मांग करी, हमारी मांग पर सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे रणनीति बना के कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी से बात की, उनका ये कहना था कि यदि इंदर सिंह परमार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे अपनी रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर वे आगे कोई ठोस कदम उठाएंगे। तो ये वीडियो हमने आपको बताया था, और इस पर हम ज्यादा चर्चा के लिए बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी धन्यवाद। जी देखिए इस तरह का जो एक वीडियो वायरल हुआ है अभी राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का, जिसमें वे जनता के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं, तो इस वायरल वीडियो पर आप क्या कहेंगे, कहां तक ये शोभित देता है एक जनप्रतिनिधि को? देखिए मैं आपके चैनल पे एक बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जी कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पद पे बैठा हो जी, उसको जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना है जी। पर अब इस वीडियो की जांच होना है कि इसमें एडिटिंग हुई है कि नहीं या नहीं हुई है जी, ये अलग विषय है जी। इंदर सिंह परमार जी ने जो भी व्यक्ति उनके पास जाता जी, उसकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उसकी जो मदद होती है उसकी मदद तुरंत करते हैं जी। पालक संघ के लोग भी गए थे जी, बात को भी बहुत गंभीरता से सुना जी। आपने देखा कि पिछली बार भी कोविड-19 के काल में लोग परेशान थे तो उनकी मदद करने के लिए जी, मंत्री जी ने यह आदेश निकलवाया था कि स्कूल वाले उनको परेशान ना करें जी, और उनकी जो फीस है उसमें भी राहत दें जी। तो कहीं ना कहीं इंदर सिंह परमार जी ने और भाजपा सरकार ने पहले भी अभिभावकों की मदद की है, आगे भी करेंगे जी। लेकिन देखिए ये वीडियो तो हम ताजा देख रहे हैं जिसमें इंदर सिंह परमार जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो करना है करो, जाओ जाकर मर जाओ, इस तरह की भाषा का प्रयोग भी अभिभावकों से कर रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि जब अभिभावक जब मेरा निवेदन है जी, मैंने आपसे कहा और आपके चैनल पे कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए जी। पर अभी तो ये वीडियो की जांच होना है ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस अपने डर्टी टैक्स चलाते हुए उनका जो आईटी सेल है इस तरह के कई तरह के फर्जी पहले भी वीडियो डाल चुका है जी। अब इस वीडियो की जांच होना चाहिए जी, और इसके बाद पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं, असली है कि नहीं जी, और कहीं ना कहीं उसके बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। और मुझे लगता है इंदर सिंह परमार अच्छे भले मंत्री हैं, उन लोगों की मदद करते हुए जी। लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले से कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस लगातार अब हावी हो रही है, वो भी लगातार अब प्रदर्शन किए जा रही है। देखिए आप कांग्रेस के जो विधान प्रवक्ता आपके साथ जुड़े हैं जी, जरा एक बार उनसे पूछिए जी कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी
तब कितनी राहत अभिभावकों को दे दी उनने जी। उसके बाद कोविड-19 उसी समय शुरू हो गया था जी। उसके जनता के लिए क्या किया, कोई एक अस्पताल बनाया, एक बेड की व्यवस्था की, एक ऑक्सीजन के लिए एक सिलेंडर की व्यवस्था करी। अभी पूरा कोविड-19 का काल देख लीजिए, उसमें भी कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच में नहीं आया। ये पहले लाशों की गिनती कर रहे थे, अब इस तरह की छोटी ओछी राजनीति कर रहे हैं जी। आज कहीं ना कहीं जनता को जो राहत की जरूरत है वो माननीय शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सब जनता के लिए बने और जनता की सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन देखिए, कोरोना काल में तो हम सभी ने देखा था कि जिस तरह से किस तरह से महामारी ने अपने पैर पसारे थे और किस तरह से लोग मरे थे और किस तरह से ऑक्सीजन की भी किल्लत हुई थी। ये सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये इस बात को तो मैं भी कह रहा हूँ ना जी, ये कोविड-19 का काल आया उसमें लोगों को बहुत तकलीफ हुई, वो कहीं ना कहीं हमने सबने अपने किसी न किसी करीबी को इसमें खोया है जी। उससे राहत के लिए तो सरकार ने कदम उठाए जी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार का स्टेट प्लेन जी लगातार दवाइयों की व्यवस्था के लिए उड़ रहा था, चौपर दवाइयों की व्यवस्था के लिए रेमडेसिविर दूसरे प्रदेशों से लाके मरीजों तक पहुंचाए जा रहे थे, ऑक्सीजन के लिए हमने स्पेशल मालगाड़ियां और ट्रेनें चलाई, कहीं ना कहीं C-17 से जो सेना का प्लेन है जी उससे हमने कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पहुंचाई जी। तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवान के वरदान है शिवराज सिंह चौहान, वो 24 घंटे अपनी जनता के लिए लगे रहे जी। आप बताइए ना, कमलनाथ का कहीं एक जी का एक फोटो नजर आया हो तो मुझे बता दीजिए, या कहीं पे भी कहीं एक ऑक्सीजन की व्यवस्था की हो, दवाई की व्यवस्था की हो, रेमडेसिविर की व्यवस्था की हो तो वो बता दीजिए। जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी आपने देखा वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए घर घर पीले पीले चावल बांटने के लिए, और उसपे भी कांग्रेस राजनीति कर रही थी। आप देखिए, स्वास्थ्य कर्मी कमर कमर तक पानी में, आप छोटे से बच्चे को कमर पे बांधकर और वैक्सीनेशन का बैग टांगकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे थे, अपनी जान पे को खतरे में रख के आदिवासी बंधुओं को वैक्सीन लगाने के लिए पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, जंगल में जा रहे थे। कांग्रेस बताइए ना कहाँ थी जी। देखिए, समय का अभाव है जी, बिल्कुल बिल्कुल समय का अभाव है। तो आखिरी एक सवाल ये रहेगा मेरा कि क्या अगर इस वीडियो पर आपके क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर ये वीडियो सही पाई जाती है या फिर ये वीडियो गलत पाई जाती है तो भाजपा के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहले इस वीडियो की जांच होगी जी, और फिर उसके बाद इस तरह की बातों का जवाब दिया जा पाएगा कि इस वीडियो पे आगे भविष्य में क्या किया जाएगा। पहले जांच हो जान दीजिए, उसकी रिपोर्ट आ जान दीजिए जांच की जी, फिर उसके बाद पार्टी तय करेगी जी। चलिए, खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बातचीत की, अभी बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जब तक वीडियो की सच्चाई नहीं सामने आ जाती तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि इस तरह की शब्दावली राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा इस्तेमाल की गई है। अब हालांकि वीडियो हमने जो देखा इसमें साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कि जो करना है करो, जाओ जाकर मरो, ये भाषा ये शब्द शैली यहाँ पर इंदर सिंह परमार के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आपको पूरा मामला भी बता दें कि अभिभावक संघ जो है वो राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने अपनी पीड़ा लेकर गए थे, उनसे अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए वो गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी शिकायतों का निराकरण न करते हुए राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसे जो करना है करो, जाओ जाकर मर जाओ। फिलहाल के लिए इतना ही, ताजातरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।